केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को शिमला के गेयटी थिएटर में भी देश का बढ़ता विश्वास साफ नियत सही विकास नारे के साथ प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सरकार की सभी योजनाओं को दर्शाया गया। मंगलवार को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शिमला में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट विशेष तौर पर उपस्थित रही। इस दौरान कुसुम सदरेट ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, ताकि लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं को जानकर उनसे लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत है, जिसका बड़ी संख्या में लोग लाभ उठा चुके हैं। महापौर ने इस प्रदर्शनी के लिए भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को बधाई दी, और साथ ही उन्होंने सुबह करीब 3 बजे पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर हुए हमले की खुशी जताई। आज सुबह जो सैनिकों ने जो स्ट्राइक हुआ है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले बधाई दूंगी कि आज जो है जो हमारे, जैसे कि आपको जानकारी है कि पुलवामा में जो इस तरह का जो हमला किया गया था, तो आज जो है सुबह जो है 2-2.5 बजे के करीब जो सैनिकों ने जो है जो वहाँ पर जाके अपना स्ट्राइक किया है, तो उसके लिए सभी को मैं बधाई दूंगी। और इसके बाद जो है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शिमला में जो है ये प्रदर्शनी जो लगाई गई है, देश का बढ़ता जाता विश्वास साफ नियत सही विकास के तहत जो है केंद्र की जो योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंची हैं, उसमें जनधन प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, डिजिटल इंडिया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और जन औषधि, इस प्रकार की बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जिससे जो लोगों को जो है जन जन तक जो है लोगों तक पहुंचाई गई हैं और लोगों ने इसका लाभ उठाया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आयुष्मान भारत, जिसमें जो है बहुत सारे लोगों ने जो इसका लाभ उठाया है। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी रितेश कपूर ने कहा कि भारत सरकार ने 4.5 वर्षों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की है, और उन्हीं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो पिछले 4.5 वर्षों से पूरे देश में चल रही हैं, और जिसके जो प्रभावी परिणाम जो है वो यहाँ पर हमारे पूरे देश में एक विकास के रूप में सामने आ रहे हैं। उन्हीं विकासात्मक कार्यक्रमों को दिखाते हुए हमने यहाँ पर एक चित्र प्रदर्शनी, जिसे मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी हम कहते हैं, जिसमें हमने बड़े बड़े पोस्टर्स के माध्यम से और वीडियो विजुअल्स के माध्यम से यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री की कई योजनाएँ जैसे जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, किसान फसल बीमा योजना, बहुत सी योजनाओं को जो हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। और ये सारी योजनाएं जो हैं वो एक ध्येय के साथ चली हैं कि हम देखते हैं कि जिस तरह से योजनाओं का यहाँ पर वो यहाँ पर योजनाएं लागू हुई हैं, उससे पूरे देश में एक जो माहौल बना है और जो लोगों में भी एक विश्वास आया है, और उसी विश्वास के साथ इस प्रदर्शनी का नाम भी हमने देश का बढ़ता जाता विश्वास साफ नियत और सही विकास हमने रखा है। और ये प्रदर्शनी 3 दिवसीय है, 26 फरवरी आज से शुरू होकर ये 28 फरवरी तक यहाँ पर टेबल हॉल में चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।